दोस्तों, बोनलेस तंदूरी चिकन फ्राई की रेसिपी बनाते हैं जो बहुत ही आसानी से बिना तंदूर के आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी ये स्टार्टर की रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे 750 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। चिकन के पीस थोड़े बड़े रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे चिकन के हिसाब से नमक और साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हमें मैरिनेट करना है करीब 1/2 आवर के लिए। इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे। तब तक आगे का मसाला रेडी करते हैं। आधा कप गाढ़ा दही लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड किया है। कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश कर लीजिए। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और हल्दी। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही गाढ़ा है इसीलिए हम इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे ताकि मसाला और दही पूरी तरह से एक दूसरे को पकड़ ले। तो 1/2 आवर हो गया है, हम चिकन ओपन करते हैं और ये मसाला हम चिकन पे लगा देंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन का सेकंड मैरिनेशन भी हो गया है। अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे। धुआं देने से चिकन पे बढ़िया सा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। तो जलता हुआ कोयला रख देते हैं कटोरी पर और उसके ऊपर आप घी या तेल डालिए और इसे ढक दीजिए ताकि धुएं का फ्लेवर चिकन में आ जाए और 10 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे। अब चिकन को पकाने के लिए एक हैवी बॉटम पैन लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। तेल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाए। इसके बाद एक एक करके सारे चिकन के पीसेस पैन में रख लेते हैं। हाई फ्लेम पर चिकन को पका लेते हैं। इससे चिकन का सारा पानी सूख जाएगा और चिकन पे एक तंदूरी मार्क भी आ जाएगा। पलट कर फिर से चिकन को 3 to 5 मिनट्स के लिए और पका लेते हैं। अब तक चिकन 30 to 40% पक गया है। और नरम और मुलायम बनाने के लिए हम चिकन को कवर करके पकाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे ढककर हम पकने के लिए रख देंगे। करीब 12 से 15 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। चिकन नरम और सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे ओपन करके चेक करेंगे। चिकन अच्छी तरह से पक गया है। अब ये सारा चिकन निकाल कर हम अलग रख लेते हैं। चिकन को निकालने के बाद जो मसाला बचा है हम इसमें ऐड करेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज, हरी पीली और लाल शिमला मिर्च, इन चारों को मैंने स्क्वायर कट कर लिया है। हम इसे इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को फिर से फुल करेंगे और इस मसाले में इन प्याज और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से चला लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। फ्लेम को यहाँ पर फुल करके मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 नींबू का रस और इसे करीब 1 मिनट तक पका लेते हैं। चिकन पर सारा मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये मज़ेदार सा दिखने वाला बोनलेस तंदूरी चिकन फ्राई बनकर तैयार हो चुका है। ये बेहद लजीज तैयार हुआ है। इसे सर्व करने के लिए आपको चटनी या सैलड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।